वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेने से ही करियर बन जाता है, क्या सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपका करियर बन गया और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए हो सकती है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, वो माइंडसेट अपना क्लियर करें, अपना गोल सबसे पहले क्लियर करें कि उन्हें करना क्या है इंजीनियरिंग के बाद। प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जाना है, किस टाइप की इंडस्ट्री में जाना है, ये सारी चीज़ें पहले ट्रांसपेरेंट एकदम होना चाहिए आपके सामने। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो इंजीनियरिंग के बाद एक सक्सेसफुल करियर होगा। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो इंजीनियरिंग के बाद आपका करियर बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। मतलब मल्टीपल आपको परेशानियाँ आएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ब्रांच अच्छी ले लेने से, अच्छा कॉलेज ले लेने से ही ख़त्म नहीं हो जाती है। अच्छा कॉलेज तो आपको कभी कहेगा नहीं, भाई चल मैं आपको गूगल में सीधे जॉब दिला देता हूँ। उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो जो 4 साल होते हैं टाइम ना, कोई बताता नहीं है। देखो, बहुत सारे कम सारे कॉलेज आपको ये बताएंगे कि पढ़ने के बाद आपको जॉब भी करना होता है, पढ़ने के बाद आपको अच्छी कंपनी में जाने के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी होती है, पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डालना होगा, आपकी टेक्निकल स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्किल्ड पे ही जॉब मिलती है। डिग्री इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, डिग्री बस एंट्री पॉइंट है। देखो, प्राइवेट इंडस्ट्री में पैसे बहुत हैं। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट में 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख महीना कमाते कमाते आप बुढ़े हो जाओगे, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप 20-22 साल की उम्र में भी कमा सकते हो। पैसा बहुत है प्राइवेट इंडस्ट्री में, लेकिन वो किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से वो पैसा आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं, एक राइट डायरेक्शन, एक राइट मोटिवेशन के साथ आप सोचोगे नहीं, तब तक आप अपने करियर में आगे कैसे बढ़ोगे, अपने करियर को आप आगे कैसे लेकर के जाओगे। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप सही तरीके से और राइट डायरेक्शन में जाते हो। तो कॉलेज में जब एडमिशन लो, गोल डिसाइड करो, गोल डिसाइड करने के बाद उस पर वर्क करो, हार्ड वर्क करो, सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से नंबर लेकर के आओ, अच्छे से सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करो। ये नहीं कि सेमेस्टर एग्जाम को हवा हवाई में ले ले, इंजीनियरिंग में आ गए तो वाह हम तो इंजीनियर बन गए, पहले साल में इंजीनियर समथिंग समथिंग करके नाम लिखना शुरू कर दिया, पता चला फाइनल ईयर का जाते जाते 5 बैग लेके घूम रहे हो, डिग्री तक नहीं मिल पाई। ऐसे ऐसे लोग हैं इंजीनियरिंग में कि बैक 2-2 साल तक क्लियर नहीं कर पाए पास आउट होने के बाद। तो ऐसी नौबत मत लाइए, बैक ना लगे इंजीनियरिंग में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, बैक नहीं लगनी चाहिए। बैक लगे तो ड्यूरेशन इंजीनियरिंग, मतलब 4 साल का जो ड्यूरेशन है उसी में ही निकल जाना चाहिए। अगर उसमें नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं आपने अपने साथ धोखा कर दिया, अपने घर वालों के साथ धोखा कर दिया है, आपने अपने करियर को स्पॉइल कर दिया है। मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और ये खिलवाड़ तभी तक सही लगेगा जब तक आप कॉलेज में हो। कॉलेज के बाद ना कोई आपसे मिलने वाला, ना कोई आपको पूछने वाला, ना कोई आपको कुछ बताने वाला, सब अपनी लाइफ में बिजी, आप अपनी ज़िंदगी से स्ट्रगल करते रह जाओगे। और यही हकीकत है, लाइफ की रियलिटी है, विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव, कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो अपने करियर को एक मोमेंट दो, जिसके लिए आप दिन रात एक करके गए हो, बीटेक करने, पॉलिटेक्निक करने या आईटीआई करने, जो भी आप करने गए हो, दिन रात एक करके गए हो वहाँ पे, तो उसका यूटिलाइजेशन करो ना। क्यों आप इधर उधर भटक रहे हो अपने मंजिल से, जाना आपको इधर, आप जा इधर रहे हो, तो वो तो होना ही है। उसका रिजल्ट इम्पैक्ट हमेशा ही रॉन्ग होगा। अगर आप राइट डायरेक्शन में चले रहे हैं तो सही है, अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में गए हैं तो उसका इम्पैक्ट शायद आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। तो कॉलेज में एडमिशन लेने से सब जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हो गई। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करिए और उस पर अमल करिए, उसको अपनी लाइफ में हैबिचुअल करिए। हैबिचुअल करेंगे, पर डे प्रैक्टिस करेंगे, पर डे चीज़ें समझेंगे। इंजीनियरिंग करियर को आपको सीरियस लेना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो सीरियस लेना पड़ेगा। नहीं सीरियस लोगे तो इसी तरह से आप घूमोगे, इसी तरह से जैसे लोग घूम रहे हैं वैसे आप भी घूमोगे। चीज़ें मैंने जितनी ईजिली बताई है ना, इतना आसान नहीं होता है। आपको एक चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप उस तरह से चीज़ें नहीं करोगे, उस तरह से चीज़ें लेके नहीं जाओगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बस वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको समझ आए। जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करेड चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।